प्रेशर टूट रहा है। अच्छा यहाँ पे कुछ है लीकेज हो रही है, इंतजार कर रहा है और एक ये इंतजार कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए ऑफिस से और दो चीज़ें हमारी इंतज़ार कर रही है घर के अंदर, तो आपको दिखाते चले हाँ शुरू करते हैं। एक तो ये इंतज़ार कर रहा है और एक ये इंतज़ार कर रहा है। इन दोनों को लेके जाते हैं पानी की मशीन के पास। कैसे तो लगा शुक्र। ये है हमारी मशीन और ये सेट होने में ना टाइम लग जाता है। ये खुल गया, खुल गया भाई, खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको रखते हैं इधर, खोलते हैं ढक्कन। पानी डल चुका है, इसका नट लगा दें। पानी आ गया नहीं आया। यहाँ पे कुछ है लीकेज हो रही है, यहाँ से जरा पानी अभी ग्लैन दूरी जो है ना लगता है नहीं लगवानी पड़ेगी, इसको टाइट करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी कि पानी जो है ना प्रेशर पर टूट रहा था ऊपर आते हुए। तो मेरा ख्याल से ग्लैन दौड़ी का मसला है, कोई प्लम्बर को ढूंढते और ये प्रॉब्लम बताते कि भाई ये पानी जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है। एक हाथ यहाँ रखा हुआ है, कान पे मोबाइल लगा हुआ है और बन रही है वीडियो, पानी क्यों नहीं आ रहा। हाँ टाइटल भी अच्छा है इसका, पानी क्यों नहीं आ रहा। आया पानी अब, 2 मिनट देखो, 2 मैंने तो थोड़ा सा ही डाला है, एक मग जितना डाला होगा बस, जो बच गया था पानी बस गैलन में। पानी तो नहीं आया, क्या वजह है, लाइन में पानी नहीं है या फिर कोई मशीन का एक प्रॉब्लम तो लग रहा है मेरे को। कोई प्लम्बर वगैरह आता है तो उसको बताते हैं कि क्यों नहीं आया पानी। हम जब पानी नीचे से डाल के ऊपर आए, फिर स्विच 10 मिनट तक खुली रखी तो मोटर चलती रही तो पानी आ गया, मगर अभी भी जो प्रेशर होना चाहिए ना वो नहीं है, रुक रुक के आ रहा है। वही ग्लैन दौरी का मसला लग रहा है, तो कोई प्लम्बर को बुलाते हैं और ये मसला हल करवाते हैं और आपको प्रेशर भी बताते हैं किस तरीके से पानी आ रहा है ना, रुक रुक के पानी आ रहा है। इस तरीके से है ना, रुक रुक के पानी आ रहा है, प्रेशर टूट रहा है। कॉल करते हैं भाई ये अब्दुल्ला प्लम्बर को। राम साम, अब्दुल्ला भाई कहाँ पे हो, कब तक आओगे, रात तक आओगे, तो एक ग्लैन दौरी का मसला हल कर दोगे। अच्छा कल करना पड़ेगा, चलो ठीक है कल करते हैं। ओके भाई कोई बात नहीं, ठीक भाई। ग्लैन दौरी का मसला तो कल हल होगा, तो हमारा ब्लॉग यहाँ पे होता है ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Instagram पे हंजला ND28 लिख के फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में बहुत याद रखें।